अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने झारखंड में हुए लव जिहाद के मामले पर ज्ञापन सौंप आरोपी को फांसी देने की मांग की है। उनका कहना है कि लव जिहाद के चलते एक युवती की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन शासन और प्रशासन मौन बैठा है। झारखंड के साहिबगंज में रूबिका नाम की युवती की लव जिहाद के चलते हत्या कर दी गई। युवती के धर्म बदलने से इनकार करने के बाद कट्टरता के चलते आरोपी अंसारी ने युवती की हत्या कर उसके 50 टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंक दिया, जिससे आक्रोशित होकर आदिवासी समाज ने ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी को फांसी देने की मांग की है और कहा है कि ऐसे ही धर्मांतरण लगातार इस परासिया के आदिवासी अंचल पे हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन मौन है। उनका कहना है कि ऐसे धर्मांतरण करने वाले लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। आदिवासी विकास परिषद ब्लॉक परासिया की ओर से आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, जिसमें हम सभी की यह मांग है कि जो झारखंड क्षेत्र में जो पहाड़िया जनजाति की हमारी आदिवासी बेटी है रूबिका, उसकी निर्मम हत्या कर उसके 50 टुकड़े करके उसे फेंका गया है, उसके अपराधी को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए उसके विरुद्ध। ज्ञापन आदरणीय तहसीलदार महोदय को सौंपा गया है सभी आदिवासी भाई और बहनों की ओर से। जो झारखंड में जिला साहिबगंज की पहाड़िया आदिवासी जनजाति की बेटी रूबिका पहाड़िया के जो धर्मांतरण लव जिहाद के कारण निर्मम हत्या की गई, उसके आरोपियों को कठोर एवं जनजाति बेटियों के विरुद्ध जो देश में चलाए जा रहे लव जिहाद धर्मांतरण पर रोक लगाने हेतु भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कठोर कानून बनाए जाने एवं आदिवासियों से जुड़े मामलों पर न्याय दिलाने के लिए आज ये ज्ञापन सौंपा गया। दूसरा ज्ञापन कि हमारे आदिवासी समाज में जो कई लोग ईसाई मशीनरी के द्वारा हमारे आदिवासी समाज का धर्मांतरण किया जा रहा है, उसमें रोक लगाई जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।